विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन पर आज स्पेशल ट्रेन चल ही पड़ी। ये ट्रेन आज सुबह कालका से चली और सोलन होते हुए शिमला पहुंची। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये विशेष ट्रेन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी और पर्यटक भी इसका बेहद इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज ये विशेष ट्रेन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई और बिना किसी पर्यटक के ही ये ट्रेन कालका से शिमला पहुंची। आज कई महीने के बाद सर्पीली पटरियों पर दौड़ती हुई ये ट्रेन तो दिखाई दी, लेकिन ये ट्रेन जिनके लिए चलाई गई थी वे पर्यटक दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से रेलवे कर्मी भी मायूस नजर आए। अधिक जानकारी देते हुए रेलवे अधिकारी ने बताया कि कालका से शिमला 045-15 नंबर ट्रेन, जिसका नाम कालका शिमला एक्सप्रेस स्पेशल, आज से आरंभ हुई है और 30 नवंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि आज करीबन 7 माह बाद यह ट्रेन सेवा आरंभ की गई है। उन्होंने बताया कि कोविड से बचने के लिए ट्रेन को समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग का बंदोबस्त भी इस ट्रेन में किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई सवारी मास्क लगाना भूल जाती है तो उसके लिए मास्क का प्रबंध भी किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि इसमें पर्यटक घूमना पसंद करेंगे, लेकिन 3 पर्यटकों ने इसमें बुकिंग करवाई थी लेकिन वे भी नहीं आए हैं, जिसकी वजह से ट्रेन खाली ही शिमला जा रही है। 045-15 कालका टू शिमला स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। ये 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक लगभग 42 फेरे लगाएगी। लगभग ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए कोरोना में। 7 महीने के बाद में ये कालका और शिमला के लिए सेक्शन चालू हुआ है और ये रेगुलर रहेगा 30 नवंबर तक। तो एहतियात बरते गई है, जैसे ही यात्री रिजर्व यात्री स्टेशन पर एंट्री करेगा उसके लिए स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था रखी हुई है, हैंड सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था रखी गई है। अगर यात्री गलती से मास्क भी घर भूल के आएगा तो रेलवे उसको मास्क भी उपलब्ध करवाएगी। ये सर आज कितनी सवारी है? सर आज 3 सवारी थी, तीनों यात्री नो टर्नअप हो गए, नहीं आए थे। ओके बाय बाय शिमला। ओके ओके।